सो आई गेस मैं सेट फ्रॉम वेजी बाजी और आज मैं आया हुआ हूँ पहाड़गंज में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे नहीं मेरे राइट में मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं इंपीरियल सिनेमास और अभी हम लोग आए हुए हैं खाने पहाड़गंज में। बहुत सारा खाना, बहुत सारी वीडियो शूट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग खाते हुए गोलगप्पे और एक या दो टाइप का पानी नहीं पियेंगे यहाँ पे, हम लोग पियेंगे 6 अलग अलग टाइप का पानी। इस वीडियो में हम लोग खाने वाले हैं अलग अलग टाइप के समोसे, कचौड़ियाँ, गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ रहा है मेरे और पता नहीं क्या क्या खाएंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें खाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक करके कुछ बढ़िया सा कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपने आज तक मैक्सिमम कितने गोलगप्पों का पानी पिया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। पीऊँ मैं जा रहा हूँ गोलगप्पे पीने, गोलगप्पे खाने पीने। यार गोलगप्पे खाते हैं या पीते हैं? बिकॉज गोलगप्पे तो खाते हो पर पानी पीते हो, ये कमेंट करके बताना मुझे। चलो आ जाओ, हमारे पास अलग अलग पानी है। हमारे पास लहसुन का है, पुदीना का है और इधर कौन कौन सा है, हींग, जीरा, बहुत सारे। कौन कौन से गोलगप्पे हैं आपके पास, पानी कौन कौन से? लहसुन है, पुदीना है, हींग है, जीरा है, जलजीरा है, हाजमा है। ये है लहसुन का। एक तो गोलगप्पे खाने से पहले ही मुझे गोलगप्पे अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि आटे वाले सूजी वाले पसंद। एकदम लहसुन का टेस्ट आ रहा है, टू गाली की, ठीक है, क्रिस्पी है। ये पुदीने का है, रेगुलर वाला। ये वाला कौन सा? किंग। मैंने चंडीगढ़ में खाए थे 8 टाइप के गोलगप्पे, इसमें मुझे किंग वाला काफी पसंद आया था। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा है। ये वाला ठीक ठीक था, अभी तक पुदीने वाला सबसे बढ़िया था, एकदम कड़क फ्लेवर। पुदीने वाला पानी आपको हर जगह मिल जाता है पर ये जो पानी है ना कहीं नहीं मिलेगा। ये कौन सा है? जीरा। ये जीरे वाला है। ये कौन सा है भैया? जलजीरा। कौन सा है? हाजमा आजम, इसको कहा के हाजमा आजम। पहला दूसरा और आखिरी लहसुन वाला, पुदीने वाला और हाजमा आजम, काफी बढ़िया था। पुदीना बहुत तेज है। अब ये देखिए भैया देते कैसे हैं, बड़ा ही अजीब सा तरीका देने का। ये हाथ रखा और वाह जी वाह, हाजमा आजम, इसको खा के हाजमा आजम हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही सारा खाना हजम कर लिया, अब जो भी सारे समोसे वगैरह खाएंगे सब हजम हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब बढ़ते आगे। 20 रुपए के 6 पीस आटे वाले, चलते आगे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं पहाड़गंज में मुल्तानी ढांडा में और यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं मुल्तानी डिश। एक ये मुल्तानी डिश जो है बहुत फेमस है, तो अगर आपका कोई भी मुल्तानी फ्रेंड है तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। मुल्तानी मोठ कचौड़ी काफ़ी मुश्किल होता है दिल्ली में ढूंढना, बट जो सबसे फेमस मोठ कचौड़ी की शॉप है वो है मेरे पीछे पहाड़गंज में, मुल्तानी मोठ कचौड़ी। और बेसिकली मुल्तानी मोठ कचौड़ी क्या होती है, मोठ कचौड़ी होती है, उसमें चावल होते हैं और मोठ की दाल होती है, प्याज होते हैं, मसाले होते हैं, चटनी होती है, काफ़ी ड्रूलिंग सी होती है। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको दिखाता हूँ। गोलगप्पे खाने के बाद कुछ मन करता है फिलिंग खाऊं और एक बार मोठ कचौड़ी खा लूँगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और देखने को बाकी है।
तो चलो फटाफट मोठ कचौड़ी खाते हैं और फिर मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो गाइस ये आ गई हमारी मुल्तानी मोठ कचौड़ी और अभी हम लोगों ने बहुत सारा खाना खाना है तो मैंने सिंगल पीस लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी कचौड़ी और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मोठ की दाल है, चावल है उसमें, प्याज है, मिर्च का अचार है, मसाला डाला हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इन्ग्रीडियंट्स हैं। और ये कचौड़ी मैं आपको पहले खोल के दिखाता हूँ। कचौड़ी के अंदर जो है बहुत ही हल्की सी स्टफिंग हो रखी है, आप ये देख सकते हैं। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ धीरे धीरे। अगर आपका कभी भी पहाड़गंज में चक्कर लगे तो ये चीज़ ऐसी है जिसको आप बिल्कुल मिस ना करें। बढ़िया चीज़ है मुल्तानी मोठ कचौड़ी। हल्की सी नींबू की खटास है, मोठ की दाल की क्रीमीनेस है, प्याज का क्रंच है, कचौड़ी का क्रंच है, खस्तापन है, काफ़ी अलग अलग फ्लेवर है, खट्टा मीठा नमकीन सब है। मैं आराम से इसको इंजॉय करता हूँ और आपसे बात करता हूँ समोसे खाते हुए। एक समोसा देना। तो गाइज़ अभी मैंने ना अपने इंस्टाग्राम के लिए ये दो चीज़ें तोड़ रखी हैं जो इंस्टाग्राम के लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भाई ऐसा है इंस्टाग्राम वालों को सबसे पहले पता चल जाता है मैं कहाँ पे जाता हूँ क्या करता हूँ। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वेजी पाजी के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करो और जाके फटाफट फॉलो करो और यहाँ पे नीचे आ जाओ। यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, दाल समोसा। आप लोगों ने दाल कचौड़ी खाई होगी, आप लोगों ने मूंग दाल का सब कुछ खाया होगा पर मूंग दाल समोसे में कभी नहीं खाया होगा। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है, पहाड़गंज में जनता स्वीट्स पर मिलती है और यहाँ पे ये दुकान चलती ही मूंग दाल समोसे से है। यहाँ पे जो भी बंदा समोसे खाने आता है मूंग दाल समोसे खाता है, एक 15 रुपये का, दो 24 रुपये के, कमाल की चीज़ है, छोले के साथ सर्व होती है। मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा हूँ और देखता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। मूंग दाल भरी हुई है, बड़ा अजीब सा लग रहा है खाने में, मतलब पता नहीं खा दे, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है खाने में। आप सोच के देखो मूंग दाल समोसे के अंदर भरी हुई है और देखने में बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रही, बस बॉइल्ड मूंग दाल है, पता नहीं कैसा लगेगा, चलो खा के देखते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है, जैसे फिजक को बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं पसंद, तो उन लोगों को ये खाना बहुत पसंद आएगा। बट हम जैसे लोगों को थोड़ा तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा डिफरेंट है बट तीखा नहीं है। तो बात जाते हैं अपने गुलाब जामुन पे और देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है, गरम गरम एकदम। आप मानेंगे सर्दियों का मौसम हो रहा है और ये दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड बहुत पड़ती है और दिल्ली वालों को ना ठंड में अगर कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए ना, हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय, गाजर का हलवा, मूँग दाल का हलवा, समोसा, गुलाब जामुन, इस एक लाइन में इतना खाना था ना।
तो पहाड़गंज में एक और आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ मिलती है जो है भिले कुलचे। आप नीचे आके देखिए ज़रा क्या डिश है ये। तो बेसिकली जो छोले कुलचे वाले कुलचे हैं उनको इन लोगों ने करके रखा है, तोड़ मड़ोड़ के रखा हुआ है और उसको छोले के अंदर डाला हुआ है, प्याज साथ में डाला हुआ है, चटनी डाली हुई है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें डाली हुई है। प्राइस है इसका 25 रुपीज़ एक पीस के लिए और फुल प्लेट के लिए 40 रुपीज़। खा के देखते हैं क्या चीज़ है भैया ये। व्हाट इज़ ऑल द फस अबाउट दिस गीले कुलचे। मुल्तानी ढांडा एंटर करने से जस्ट मुल्तानी ढांडा की एंट्रेंस के जस्ट एंट्रेंस पे ही चावला के चूचू नान है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये बैलेंस्ड छोलों का ट्रेंड जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाई थी। और इससे जस्ट एक गली छोड़ के है सीताराम के छोले भटूरे जो पूरे इंडिया में फेमस है, जो छोले एकदम चटपटे, मतलब सड़क पार करके छोलों का कितना फ्लेवर चेंज हो जाता है। ये है इंडिया की डाइवर्सिटी, ये है दिल्ली वालों की डाइवर्सिटी। तो चलते हैं बांके बिहारी एक समोसे वाले हैं उसके आपको समोसे दिखाते हैं और फिर ये वीडियो जो है थोड़ा सा इसको एंड पे लेके आते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें खा ली है, थोड़ा खाना बचाने भी है। गाय आज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ओ भाई ओ भैया गाय मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, मैं आपको एक अभी वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने शूट कर रखी है नंदी हट्टी की, वहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरा खाना भी खाने वाली थी गाय माता बट हमने बचा लिया था। चलो आज चलते भैया एक समोसा और एक गुलाब जामुन करना है। तो हम लोग आए हैं आज के दिन के लास्ट लोकेशन पे जो है श्री बांके बिहारी समोसे वाले पे और यहाँ से हम लोगों ने लिए है छोले समोसे जो 12 रुपीज़ का प्राइस है इसका, एक प्लेट का एक पीस का 12 रुपये प्राइस है और साथ में देते हैं छोले और सौंठ की चटनी, काफ़ी कमाल की डिश है। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है और अब खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो आ जाओ। गरम गरम एकदम समोसा है, एक और बाइट लेता हूँ। इतना गरम एक्चुअली समोसा था कि मुझे टेस्ट का आइडिया नहीं रहा। छोले एकदम जैसे मैं आपको अभी पीछे 2-3 जगह से बता रहा हूँ, मुल्तानी छोले हैं एकदम स्मूथ, मसाला वसाला बिल्कुल नहीं है। जो समोसे हैं सुपर स्पाइसी, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है और एकदम आपको हरी मिर्च से चम्स आएंगे। समोसा स्पाइसी है और एकदम मीठी मीठी कमाल का टेस्ट है, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट है। 12 रुपये प्राइस है, फिलहाल तो मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अगर मेरी किस्मत में हो तो मैं गुलाब जामुन से वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और गुलाब जामुन मैंने खरीद लिया, इसको खा कर गरम गरम मोटा मोटा गुलाब जामुन लेता हूँ। चाशनी इसके ऊपर डाल दूँ, गरम गरम गुलाब जामुन एकदम, इसको ब्रेक करते हैं। वो देखो आप देखो कितना सॉफ्ट है, देखिए कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन है। ओ एक बाइट लेता हूँ इसकी गरम गरम गुलाब जामुन की चाशनी के साथ। गुलाब जामुन खाने का ऐसा मतलब जो मुंह में जाके जस्ट मेल्ट हो जाए, तो गुलाब जामुन अपना आराम से आधा बचा हुआ एंजॉय करूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर के आइकन को कर लो फटाफट जाके ग्रे, क्योंकि ऐसे ही यमी यमी वेजिटेरियन खाने की वीडियोस आते रहती है हफ्ते में 4 बार, उसको आप मिस ना कर दो। नोटिफिकेशन आइकन दबा दो जिससे आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएगी कि हाँ भाई वेजिटेरियन वेजी पाजी की वीडियोज आ चुकी है। मैं तन्मय फ्रॉम वेजी पाजी अभी निकलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉइंग एंड स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय नाउ।